पूर्वी दिल्ली में गाजीपुर लैंड साइट पर रविवार को भीषण आग लग गई। दिल्ली फायर ब्रिगेड सर्विस के एक अधिकारी ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हमें शाम 5:22 पर आग लगने की सूचना मिली। 2 दमकल की गाड़ियों को काम पर लगाया गया है। आग बुझाने के प्रयास किए जा रहे हैं। स्थानीय पुलिस को सूचित कर दिया गया है। दिल्ली नगर निगम के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए कर्मचारी को भी काम पर लगाया गया है। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया है कि उसने पिछले साल 31 दिसंबर तक गाजीपुर लैंडफिल साइट को खाली कराने का वादा किया था। हालांकि अब तक सरकार अपना वादा पूरा नहीं कर सकी है। दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा है कि लैंडफिल साइट पर आग लगने के परिणाम स्वरूप पूरे क्षेत्र में धुआं फैल गया है, जिससे स्थानीय निवासियों और व्यवसायों को असुविधा हो रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 2022 के MCD चुनाव में वादा किया था कि 21 दिसंबर 2023 के पहले इस लैंडफिल साइट को खाली करा लिया जाएगा। हालांकि कचरा हटाने के बजाय यहां और अधिक कचरा डाल दिया गया है। इसी को लेकर बीजेपी ने आप सरकार को घेरा है। वहीं साल 2019 में गाजीपुर लैंडफिल साइट की ऊंचाई 65 मीटर थी, जो कुतुब मीनार के केवल 8 मीटर कम है।